हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवदीप बुडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, फाइनली टाटा कर्व आईसी वेरिएंट लॉन्च हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, डायनेमिक्स एंड फीचर्स के साथ, और इसकी प्राइसिंग अनवील हो चुकी है। बहुत ही जबरदस्त प्राइसिंग यहां पे आए हुए हैं दोस्तों। स्मार्ट बेस मॉडल की प्राइस रखी गया 9.99 लाख एक्सोरूम प्राइस दिल्ली। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन टाटा कर्व स्मार्ट बेस मॉडल वर्सेस टाटा कर्व प्योर प्लस सेकंड बेस मॉडल के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं स्मार्ट बेस मॉडल से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फ्रंट प्रोफाइल में LED डे टाइम रनिंग लाइट, ब्लिंक करता हुआ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर दिया गया है, LED हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं आते हैं, फ्रंट ग्रिल जो है ब्लैक कलर में दिया गया बीच में 3D, और जो एयरवेंट है वो भी आपको ब्लैक कलर में दिया गया। स्किड प्लेट की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया है। जैसे कि बेस मॉडल है, फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको अवेलेबल नहीं कराया गया दोस्तों। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा कर्व प्योर प्लस सेकंड बेस मॉडल की, फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाले हैं। इसमें भी आपको सेम LED डे टाइम रनिंग लाइट, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर, ब्लिंक करता हुआ LED हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलेगा। डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है, जो फ्रंट ग्रिल है वहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश, और नीचे आपको एयरवेंट पे भी सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है। बाकी सब कुछ एज इट इज दिया गया है, 3D लोगो, नीचे स्किड प्लेट ब्लैक कलर में दिया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम डिटो रहने वाले हैं। स्मार्ट बेस मॉडल के साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में, फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है, और इस वेरिएंट में 16 इंच के स्टील व्हील प्रोवाइड किया गया है। 255R16 का व्हील साइज है। ORVM आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, LED टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, फ्रंट में वाइपर आपको नॉर्मल दिया गया है, रूफ लाइनिंग कुछ इस तरह, बी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट, फ्लश डोर हैंडल एलिमिनेशन के साथ, कुछ इस तरह इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल रहने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं प्योर प्लस वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग एज इट इज मिलने वाले हैं। इस वेरिएंट में भी फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है, ड्यूल टोन में, व्हील साइज सेम है 215/55R16। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल यानी ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में दिया गया है, LED टर्न इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में, फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है, रूफ लाइनिंग कुछ इस तरह, बी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है, फ्लश डोर हैंडल इल्यूमिनेशन के साथ दिया गया है। ओवरऑल इसका साइड प्रोफाइल काफी अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा कर्व स्मार्ट बेस मॉडल के रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एंटीना नहीं प्रोवाइड किया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर दिया गया है बॉडी कलर में, डिफॉगर आपको नहीं मिलते हैं, और इसमें आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट भी नहीं मिलते हैं। दोनों ओर आपको जलता हुआ LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, बीच में टाटा का लोगो और कर्व की बैजिंग दोनों ओर बहुत ही शानदार हाउसिंग में, रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है, ड्यूल टोन रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए नंबर प्लेट की जगह, स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में दिया गया। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। टाटा कर्व प्योर प्लस वेरिएंट के रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, और इसमें आपको मिल जाते हैं शार्क फिन एंटीना और बॉडी कलर में इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, और यहाँ पे भी आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट नहीं मिलता है, दोनों ओर जलता है दोस्तों LED टेल लैम्प यूनिट, और टेल गेट के रियर में आपको दिया गया है टाटा का 3D लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है, कर्व की बैजिंग दोनों ओर बहुत ही शानदार हाउसिंग में, आपको रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है नंबर प्लेट की जगह, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिया गया है, और इस वेरिएंट में भी स्किड प्लेट आपको ब्लैक फिनिश में ही दिया गया है। टाटा कर्व स्मार्ट मॉडल के जो है इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे सभी डोर्स पे पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाता है, ORVM आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, 2-स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया, जिसके राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिया गया, बीच में इल्यूमिनेटेड लोगो और 4 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। ब्लैक थीम एंड वाइट फिनिश में डैशबोर्ड लेआउट। चलिए अब बात करते हैं प्योर प्लस वेरिएंट के इंटीरियर की, तो इसके भी सभी डोर्स पे पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM के कंट्रोल मिल जाता है यानी ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में, और इसमें मेजर डिफरेंसेस है, 4-स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन कॉल्स का बटन, राइट साइड क्रूज कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बटन, बीच में आपको इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, 4 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन,
इस वेरिएंट में भी नहीं आते हैं। 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को सपोर्ट करता है। स्मार्ट वेरिएंट की जो है इंटीरियर में आपको स्लीक डिज़ाइन में एसी वेंट दिया गया है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, जी हाँ दोस्तों, आपको बेस मॉडल में। और वहीं ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और आप यूएसबी एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको ऑफर किया गया है। वहीं एंटी ग्लेयर आईआरबीएम बेस मॉडल से ही आपको मिल जाता है डे नाइट में, और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको बेस मॉडल का देखने को मिलता है दोस्तों। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और यहाँ पे 3 ड्राइव मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे देखे को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, ड्राइवर साइड भी नहीं मिलता है। एंटी ग्लेयर आईआरबीएम एलईडी कैबिन लाइट आपको प्रोवाइड किया गया है, और कुछ इस तरह इसका सेंटर कंसोल रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 3 ड्राइव मोड्स एंड फिजिकल में आपको हैंड ब्रेक दिया गया है, 2 कप होल्डर दिया गया है। साथ में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में। कुछ इस तरह का स्टोरेजेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फैब्रिक अपोस्टी कुछ इस तरह का दिया गया है ड्यूल टोन में, और यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट टाटा नेक्सॉन की तरह ही हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं। कैबिन लाइट दिया गया एलईडी में। वहीं हम प्योर प्लस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टच पैनल के रूप में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सारे बटन्स ऑफर किए गए हैं। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है। 3 ड्राइव मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, और 2 कप होल्डर दिया गया है। फिजिकल के रूप में आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है इस वेरिएंट में, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं। फैब्रिक अपोस्टरी प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह का यहाँ पे थीम दिया गया है, और टाटा नेक्सॉन की तरह ही हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दिया गया है, और बहुत ही शानदार इसका कैबिन रहने वाला है दोस्तों। स्पेशियस ग्लोव बॉक्स आपको कूल्ड नहीं मिलते हैं दोनों ही वेरिएंट में। स्लीक डिज़ाइन में एसी वेंट, और आईआरबीएम आपको यहाँ पे एंटी ग्लेयर दिया गया डे नाइट के रूप में। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलते हैं। कैबिन लाइट एलईडी में दिया गया है। एक एक डिफरेंस आप यहां पे देख पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट वेस मॉडल के रियर कैबिन कंफर्ट की। तो यहां पे आपको एलईडी कैबिन लाइट मिल जाता है साइड में, साथ में कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल और कोट हुक भी आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया है बेस मॉडल में भी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया, आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं बेस मॉडल में। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ELR सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी स्पेशियस कैबिन। नीचे आपको रियर एसी वेंट बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं दोस्तों, पहले इन्होंने बताया था, लेकिन अब ये एक्चुअल फिगर इसमें आया है दोस्तों। रियर एसी वेंट आपको नहीं मिलने वाले हैं। लेग रूम, नी रूम काफ़ी डिसेंट आपको यहाँ पे दिया गया, काफ़ी स्पेशियस इसका कैबिन रहने वाला है। प्योर प्लस वेरिएंट के रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो पावर विंडो के कंट्रोल तो मिलता ही है, और चारों ओर कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया कोट हुक के साथ, और साथ में आपको कैबिन लाइट भी दिया गया एलईडी में। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया, फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है। आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में भी ऑफर नहीं किया गया। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ELR सिस्टम मिलते हैं, और मेन डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है रियर एसी वेंट आपको प्योर प्लस वेरिएंट में मिलता है, जो कि स्मार्ट वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की गई है। बहुत ही डिसेंट लेग रूम, नी रूम आपको मिल जाते हैं टाटा कर्व में। बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं सेकंड बेस मॉडल में भी। इन दोनों ही वेरिएंट में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिल जाता है, और पावर फिगर आप सामने चेकआउट कर सकते हैं इसके। और जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्टेंस, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे दी गई है दोस्तों। भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।